श्री कृष्ण जी कहते हैं, नरक के तीन द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। परमात्मा को प्राप्ति के इच्छुक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर पत्थर और सोना सभी समान है। कर्म मुझे बांधता नहीं क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि स्वर को परखती है उसी प्रकार संकट वीर और पुरुषों को समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना और व्यक्ति के सबसे बड़ी मूर्खता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, यह सृष्टि कर्म क्षेत्र के लिए कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है वह तमस दान कहलाता है। अपने अनिवार्य कार्य करो क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, सदैव सदैव करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, मन की गतिविधियां, होश, स्वस्थ और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। जो लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे, सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के सदैव को काट कर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। सफलता जिस पर ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। जय श्री कृष्ण सभी भक्तों को। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण।